हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। और आप लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में हम लोग बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट 2 वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। आप लोग 1 से लेकर 13 तक देख लीजिए उसका वीडियो, लिंक में दे दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका द्रव्यमान और भार घटता है या बढ़ता है या अचर रहता है, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, पिंड का द्रव्यमान जो है अचर रहता है, परंतु उसका जो भार होता है वह क्या होता है, घट जाता है। आप लोग को हम बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल के जरिए क्लास 9 का तैयारी करवाई जाती है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी लाइक कीजिए, अन्यथा लाइक मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दाब क्या है, और दाब का SI मात्रक क्या है। तो दाब क्या है और दाब का SI मात्रक भी लिखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 15 का शानदार आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ते हुए प्रणोद को उस सतह का प्रणोद कहते हैं, यानी कि दाब कहते हैं, उस सतह का दाब कहते हैं, यहाँ पर होगा दाब कहते हैं। और इसका जो है दाब का SI मात्रक जो है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है तो फ्रेंड्स, तो पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप क्लास 9 का बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखें तो बायोलॉजी का भी वीडियो देख लीजिए, और सभी YouTube चैनल के जरिए हम पढ़ाते हैं, इस YouTube चैनल के जरिए सभी वीडियो को हम बनाते हैं क्लास 9 के लिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्रणोद से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है। वह बल जो सतह के लंबवत लगता है उसे प्रणोद कहते हैं, और इसका SI मात्रक जो है न्यूटन है। इसका SI मात्रक क्या है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा न्यूटन है। इसका SI मात्रक जो है न्यूटन होगा इसका, यानी SI मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि तेज धार वाली कैंची से कपड़ा जो है कम बल लगाने पर क्यों कट जाता है। तेज धार वाली कैंची से जो है कपड़ा कम बल लगाने पर भी कट जाता है, कैसे। तो इसका आंसर होगा क्योंकि तेज धार वाली कैंची का नोक जो है नुकीला और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, इससे कम दाब लगाने पर भी जो है उसमें अधिक बल लगता है, इसीलिए कपड़ा जो है तुरंत कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की मोटर गाड़ियों या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा अधिक चौड़े जो है उसका टायर इसलिए होते हैं कि वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाए और टायर पर दबाव कम पड़े, ताकि टायर फटने से जो है बच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को जो है पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है। तो इसका आंसर होगा किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तब उसमें एक उत्प्लावन बल जो है कार्य करता है, इस बल के कारण पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी द्रव में डुबो दी गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा द्रव में डूबी गई वस्तु पर उत्प्लावन बल जो है हमेशा ऊपर की ओर लगता है, हमेशा जो है किस ओर लगता है तो ऊपर की ओर लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर
यह पानी की सतह पर आ जाता है क्यों? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर जो लगता है उत्प्लावन बल और उसके नीचे जो लगता है गुरुत्व बल जो है गुरुत्व बल से अधिक होता है। कौन? उत्प्लावन बल जो है ना गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः गुटका जो है पानी के ऊपर में सतह पर तैरने लगता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबो हो तो उनके भी उनके भार की हानियां समान हो तो पिंडों के आयतन के बीच क्या संबंध होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पिंड के जो आयतन भी होगा वह भी बराबर होगा, क्या होगा? बराबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो हम आपको बता देते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार बराबर जो होता है उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व अगुना होता है पानी का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 24 तक देख लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोग का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा जहाज का पानी में तैरना, जहाज का पानी पर चलना तथा मनुष्य का पानी में तैरना, यह दो उपयोग हैं। जब आप लोग देखते होंगे कि जहाज जो है पानी में चलता है, पानी वाला जहाज, और यह मनुष्य का पानी में तैरना क्या है? एक उत्प्लावकता के कारण ही ये सब हो पाता है, इसीलिए पानी में जो है तैरने लगता है मनुष्य। तो पानी की सतह पर जो है वह रहता है, ना कि वह अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पास्कल का नियम क्या है? तो इसका आंसर होगा द्रवों में दाब का संचरण पास्कल का नियम है। इसके अनुसार यहाँ पर द्रव, इसके अनुसार अंदर के किसी भाग पर, अंदर के दाब के भाग पर जो है भाग पर डाला गया था आप सभी जो है सभी दिशाओं में समान रूप से इसे पास जो है संचारित होता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।